हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मूल्यांकन में संगठनात्मक तंत्रों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन? स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन शेड्स लाइट ऑन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंपरेंसिव प्लान इन अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है उसका डायग्राम के द्वारा ये बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में जो मेन जो चार रहते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो रिलेटेड होता है गोल से। गोल को अचीव करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो, और उस वो पार्टिसिपेंट्स किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चारों फैक्टर जो है वो कोरिलेटेड होता है एक संगठनात्मक तंत्र में। नाउ रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इन स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स वेरियस सिस्टम्स विच हेल्प इन इंटीग्रेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। व्यूहरचनात्मक मूल्यांकन और नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो अकेले कार्य नहीं करती, वो कई तरह के संगठन के तंत्रों पर आधारित होती है जो कि व्यूहरचनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तंत्रों की भूमिका व्यूहरचनात्मक नियंत्रण और मूल्यांकन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी व्यूहरचना की सफलतापूर्ण क्रियान्वयन उस संगठन के तंत्रों की उपादेयता और व्यूहरचना की क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है उनके सहयोग पर निर्भर करती है। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन से तंत्र हैं जो कि महत्वपूर्ण मूल्यांकन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दीज आर मेनली सिक्स: इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, अप्रेशल सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम एंड मोटिवेशनल सिस्टम। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल एक्शन इज गाइडेड बाय एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। There must be a system of information tailored to the specific management needs at every level, both in terms of adequacy and timelines. सूचना तंत्र किसी भी संगठन में जो रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन वास्तव में प्रमाणित मापदंड की वास्तविक कार्यों से तुलना के द्वारा ही संभव हो पाता है। उपलब्धियों या कार्यों का मापन सूचना तंत्र की सहायता से तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर ही किया जा सकता है। समय के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के और नए नए अनुसंधानों के कारण नई नई तकनीकों का भी विकास हो रहा है जो कि संगठन में चल रहे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं और व्यूहरचनात्मक मूल्यांकन एवं नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग सिस्टम। प्लान करके किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है? प्लानिंग इज द बेसिस फॉर कंट्रोल इन द सेंस दैट इज प्रोवाइड्स द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन विच कंट्रोल फंक्शन इज बेस्ड। देयर इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? किसी भी संगठन में नियंत्रण तत्व तंत्र उस संगठन में होने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया का
केंद्र बिंदु होता है, वही आधार होता है उसका। इसकी भूमिका के बिना मूल्यांकन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। किसी भी क्रियाकलाप के लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं, कार्य और उपलब्धियों को मापा जाता है तथा मापदंड से उसके विचलन को मापा जाता है और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। किसी भी संगठन में उच्च प्रबंध का ध्यान हमेशा उस संगठन के नियंत्रण तंत्र पर होता है कि वह कितना सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तथा उसमें किन नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। संगठन की किसी भी संगठन की उत्पादकता और उपलब्धियों को यह परिभाषित करता है। इसलिए संगठन के लिए नियंत्रण तंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरण या मोटिवेशनल सिस्टम। दिस मोटिवेशनल सिस्टम इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल सिस्टम बट ऑल्सो टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड मोटिवेशन प्लेज ए सेंट्रल रोल इन दिस प्रोसेस। मोटिवेशन एनर्जाइज मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर विच इज द की फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अभिप्रेरण तंत्र किसी भी संगठन के संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बूस्टर की भूमिका निभाता है। प्रबंधकों की अभिप्रेरणा का स्तर उच्च से उच्चतर होना चाहिए ताकि उनके वास्तविक कार्यों और वास्तविक उपलब्धियों और उनके स्थापित मानदंडों में विचलन न्यूनतम हो सके। प्रबंधक संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकतम योगदान दे सके। यदि स्थापित मानदंड और वास्तविक कार्य में विचलन बहुत कम है तो यह प्रबंधकीय प्रेरणा के उच्च स्तर को दिखाता है, और यदि स्थापित मानदंड और वास्तविक कार्य में विचलन अधिक है तो यह प्रबंधकीय प्रेरणा के निम्न स्तर को दिखाता है। कि किसी भी संगठन में मूल्यांकन की पद्धति सुचारू रूप से कार्यरत है या नहीं, ये इसी स्तर को देखकर पता चलता है। अगला है अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल सिस्टम इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिगार्ड टू हिज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब and his potential for development. This system provides feedback for control system about how individuals are performing. Appraisal system वास्तव में उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है और एक व्यापक नियंत्रण तंत्र का यह हिस्सा है। जब किसी प्रबंधक के कार्य का आकलन किया जाता है तो सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि प्रबंधक के कार्यों से संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी सहायता मिली, या प्रबंधक के कार्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य में है या नहीं है। एक संगठन में कई विभाग होते हैं और सभी विभागों में प्रबंधकों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसलिए आवश्यकता सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह इस बात की है कि विभिन्न विभागों के प्रबंधकों द्वारा आपसी समन्वय या सामंजस्य हो ताकि वे संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सफल हो सके। व्यूहरचनात्मक मूल्यांकन में अप्रेजल सिस्टम से बहुत सहायता मिलती है और मूल्यांकन प्रक्रिया में आकलन तंत्र से ही प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के वास्तविक कार्य की माप की जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो माप कर ली जाती है अगर यह
ऐसा हो कि विकास तंत्र का कार्य प्रबंधकों के कार्य के को मापदंड से मिलाना है ना। यह कार्य तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब इस बात का ज्ञान हो कि एक प्रबंधक को क्या काम करना है, उन कार्यों को वह सफलतापूर्वक करने के लिए उसके पास ज्ञान कौशल या उसके जो मनोवृत्ति होनी चाहिए वह है या नहीं। अगर प्रबंधक में इसमें से किसी बात की कमी हो तो कमी का ज्ञान आकलन तंत्र से ही संभव हो पाता है और इस कमी को दूर करने के लिए फिर उस प्रबंधक के लिए ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि उसे प्रशिक्षण दिया जाए या उसके मनोबल स्तर को बढ़ाया जाए ताकि वह अपनी कमी को दूर करके संस्था के विकास में सहायक बन सके और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। विकास तंत्र डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट द सिस्टम इज कंसर्न विथ डेवलपिंग पर्सनल टू परफॉर्म बेटर इन देयर प्रेजेंट पोजिशन एंड लाइकली फ्यूचर पोजिशंस दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई। डेवलपमेंट सिस्टम एम्स एट इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी थ्रू पीपल टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। दीज रिजल्ट्स बिकम द बेसिस फॉर इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इन स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन should not be undetermined. विकास तंत्र प्रबंधकों को व्यूहरचनात्मक और अन्य प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए तैयार करता है। विकास के उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्रबंधक को उस कार्य के लिए उपयुक्त बनाना जो कि उसे करना है और यह कार्य ऑपरेशन सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। उसके आधार पर ही उस प्रबंधक का विकास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।